हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज फिर लेकर आ गई हूँ किचन के बहुत ही अमेजिंग से हैक्स एंड टिप्स। यूजफुल भी है, साथ ही आपका पैसा और समय दोनों की बचत करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के टिप्स नंबर वन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट टिप देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट टिप मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस तरीके के जो चश्मे के बॉक्स होते हैं, ठीक है, इन डिब्बों को अगर आप फेंक देते हो और समझ नहीं आता इसे किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, मोबाइल के जो एडाप्टर या चार्जर वगैरह होते हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो इन चीज़ों का इसमें रख सकते हैं, बहुत इजीली इसमें अच्छी तरीके से आ सकते हैं। और साथ ही आप चाहें तो कोई भी मेडिसिन वगैरह इसमें रख सकते हैं। तो कई कई तरीक़ों से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, अपनी ज्वेलरीज को भी आप इसमें रख सकते हैं। देखिए, लोबिया, राजमा, इनमें खून बहुत जल्दी लगता है, तो ऐसा क्या करें जो ये लंबे समय तक चले और इसमें खून भी ना लगे? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है फिटकरी का। फिटकरी को आप इसमें रख दीजिए, आप देखेंगे इसमें खून वगैरह नहीं लगेंगे। ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आई होप आपकी भी ज़रूर से काम आएगा। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो देखिए, चाकू छुरी पर अगर शार्प नहीं है, तो अगर आपके पास इस तरीके की छलनी है तो ऐसी छलनी पर भी आप चाकू को इस तरीके से रगड़ोगे ना तो इस पे शार्प आ जाएगी, और साथ ही अगर इस पे जंग लगा हुआ है तो वो भी इससे क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से चाकू या कैंची पर आप शार्प कर सकते हैं, बेस्ट जुगाड़ू आइडिया है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो और भी ज़्यादा अमेजिंग है। तो नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके के जो बेल्ट होते हैं, देखिए अगर हम छोटे बच्चों को इसे पहनाते हैं और बच्चों की कमर बहुत ज़्यादा पतली होती है जिसके कारण ये बार बार खुल जाता है, तो आप इसमें रबर बैंड लगाते हो, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरीके से सेट रहे, बच्चों को एकदम से फिट आए। तो लेकिन मैं एक टिप आपको देना चाहूँगी, आप क्या कर सकते हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं कोलगेट की जो रैपर होते हैं ना, उसमें आप आधा आधा इंच की गोलाई में इस तरीके से काट लीजिए, अच्छे तरीके से क्लीन या वॉश कर लीजिए और इसे ज़रूर से संभाल के रखा करें, और आप इन्हें इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आप कोलगेट की जो रैपर होते हैं उन्हें कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, देखेंगे कितनी अच्छी तरीके से बेल्ट इसमें सेट हो गई है। आई होप ये टिप भी आपके ज़रूर से काम आएगा, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आती है तो लाइक के बटन पर क्लिक ज़रूर से कीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। देखिए, बच्चों की अब पैंट हो तो उसका जो जिप होता है, चेन, इसकी अब बार बार खुल जाती है, ठीक है, तो इसके लिए भी आप एक जुगाड़ लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रबर बैंड का यूज़ करने वाली हूँ। देखिए, जिप जो होती है उसका जो ये लॉक है, इसमें इस तरीके से आप इसको लगा दीजिए और इस तरीके से एक नॉट लगा दीजिए, तो आप देखेंगे ये अच्छी तरीके से इसमें सेट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ऊपर के साइड में इसको खींच लेना है। देखिए, अगर बटन वगैरह जीन्स में यह पैंट में लगा हुआ है तो उस पर लगा दीजिए, नहीं तो इस तरीके के जो हुक होते हैं, हुक में आप आसानी से इसे लगाकर और आप देखिए इस तरीके से इसे बंद कर सकते हैं। अब इसकी चेन जो बार बार खुल जा रही थी ना, वो नहीं खुलेगी। बेस्ट आइडिया है, आपके ज़रूर से काम आएगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, प्याज काटने का एक बेस्ट तरीका मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। देखिए, अगर प्याज काटते हैं तो आंखों से बहुत ज़्यादा जल निकलते हैं, तो आपको क्या करना है, प्याज को बीच में से काट के कुछ मिनट के लिए प्याज को पानी में डीप कर देना है। पानी में डीप करने से क्या होता है ना कि आँखों से जो है जल वगैरह नहीं निकलते हैं, और साथ ही प्याज का जो छिलका होता है आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगी, बहुत आसानी से छिलके, ठीक है, जल्दी जल्दी इसमें से निकल जाएंगे, और साथ ही आपके आँखों से अगर जल वगैरह निकलते हैं ना प्याज का छिलका हटाने में या इसको काटने में, तो वो भी नहीं होंगे। अब आपको क्या करना है, इसके जो छिलके थे पानी में भिगोकर और इसको एक साइड में रख देना है। अब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी प्याज को एकदम बारीक बारीक काटने का बेस्ट तरीका, जिससे आप ढेर सारी प्याज एकदम आसानी से काट सकेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है पीलर का।
तो पीलर से आप देखेंगे एक जैसे प्याज काट सकते हैं, एकदम बारीक बारीक प्याज काट सकते हैं, और जो है घंटों में जो प्याज काटने वाले थे उसे मिनटों में आप निपटा सकते हैं, और प्याज को काटना बिल्कुल भी दिक्कत भरा काम नहीं लगेगा। ठीक है, एक एक जैसे ही प्याज कटेंगे। देखिए चाकू से काटते हैं तो कुछ प्याज मोटे कटते हैं, कुछ पतले कटते हैं, लेकिन पीलर से काटेंगे तो एकदम एक जैसे ही प्याज कटेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, मैं आपके साथ में शेयर करूंगी आपको क्या करना है। प्याज का ये वाला हिस्सा काट देना है और फॉक को इस तरीके से इस पर लगा देना है, और आप चाहें तो देखिए चाकू से भी प्याज को काट सकते हैं, लेकिन इस तरीके से काटना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें, और सही तरीके से प्याज कट भी नहीं पाती है। जैसे कि पीलर से हमने काटा था तो बहुत आसानी से प्याज कट गया था, बट इस तरीके से नहीं कट पा रहा है। तो एक तरीका मैं आपके साथ में और शेयर करूँगी, अगर आप और जल्दी प्याज को काटना चाहते हैं, ना ही पीलर ना चाकू का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। ग्लास से आप एकदम जल्दी जल्दी बारीक से बारीक प्याज काट सकते हैं। आप देखेंगे ग्लास की हेल्प से कितनी आसानी से सारे प्याज जो है कट रहे हैं। अगर आप कोई भी भुर्जी वगैरह ऑमलेट की तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बारीक सा प्याज चाहिए होता है, तो आप इस तरीके से प्याज की हेल्प ग्लास की हेल्प से एकदम प्याज को छोटा छोटा सा एकदम बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। तो ये दो बेस्ट तरीके थे प्याज को काटने के। आप देखेंगे पीलर से एकदम बारीक बारीक प्याज कटा है, एक जैसा कटा है, और साथ ही ढेर सारे प्याज को हमने ग्लास से एकदम आसानी से काट लिया। अब देखिए छिलके का जो ये पानी है, थोड़ी देर के लिए आपको रख देना है, कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। अब इस पानी को आपको क्या करना है, किचन का जो सिंक होता है सिंक में डाल देना है। देखिए इसकी जो स्मेल है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जो कॉकरोच को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। अगर आप ये डाल देंगे तो कॉकरोच सिंक के रास्ते आपके किचन में नहीं फैलेंगे। अब एक और टिप देख लेते हैं, उसके लिए मैंने प्लास्टिक की बॉटल का यहाँ पर यूज़ किया है, और प्लास्टिक की बॉटल का आधा हिस्सा मैं इस तरीके से काट लूँगी। ये 1 लीटर वाली बॉटल का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और उसका मैंने आधा हिस्सा काटा है। अगर आप 1/2 लीटर की बॉटल काटेंगे तो उसका थोड़ा सा ही हिस्सा आपको काटना है। तो देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको काट लिया है। अब आपको झारा ले लेना है और झारे को इस तरीके से बॉटल के अंदर ऐसे डाल देना है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये एक जुगाड़ सा बन गया है। जब भी आप कोई भी पकौड़ा तल रहे हैं तो तेल आपके हाथों पे लगता है तो बहुत गर्म सा लगता है ना, चटके से लग जाते हैं, तो इस तरीके से करेंगे तो तेल आपके हाथों पर नहीं आएगा। ये थे मेरे आज के आइडियाज़ एंड टिप्स, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। आई होप आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियोज़ पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।